तो यार जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अपन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अपन क्या कर सकते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यार ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पता, मैं अपने कॉन्फिडेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसी 99% से भी ज़्यादा चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिसके बारे में मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जिसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और यार पता, कॉन्फिडेंट होने का पहला स्टेप यही होता है, ये जान लेना कि आपका जो सेल्फ है वो हमेशा कॉन्फिडेंट नहीं हो सकता। और ऐसा इसलिए है क्योंकि 99% से भी ज़्यादा चीज़ें हैं लाइफ में जो कि मैंने एक्सपीरियंस करी ही नहीं है। और जो रियल कॉन्फिडेंस होता है वो आता है अपने एक्सपीरियंस से, ऐसी चीज़ों से आता है जिस चीज़ को मैंने कभी अपनी आंखों से देखा हो या तो अपने कानों से सुना हो। एक ऐसी सिचुएशन है, एक कोई एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको मैंने पहले कर रखा है, तो जब मैं दोबारा उसे करूँगा तो मैं रियल कॉन्फिडेंट होऊंगा उस चीज़ को लेके। सो यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने वाली बात ये है कि कॉन्फिडेंस जो होता है ना अपना, वो सिचुएशनल होता है। कॉन्फिडेंस इज सिचुएशनल। कुछ ऐसी सिचुएशन है अपनी लाइफ में जो अपन ने फेस करी है और मैं यूज्ड टू हूँ जिससे, तो यार उसको लेके मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा। ऐसी बहुत सारी सिचुएशन है और एक्टिविटीज हैं जिसको मैंने अभी आज तक एक्सपीरियंस नहीं करा है, मैंने आज तक फेस नहीं करा है, तो यार मैं उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होऊंगा। तो यार जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो अपन पे डिपेंड नहीं करता, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अपन क्या कर सकते हैं, अपन ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन को फेस कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को फेस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिससे अपना कॉन्फिडेंस बढ़े उस एक्टिविटीज़ या सिचुएशन को लेके। सो फॉर एग्जांपल, अगर मेरे से कोई बोले कि भाई तू सेल्फ डेवलपमेंट या फिर जिम से रिलेटेड जो भी बातें हैं या फिर जिम जाने की बात है, तो उसमें तू कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली यार वो चीज़ को मैंने अच्छे से एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। मैं बहुत बार जिम जा चुका हूँ, मैंने सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें सुनी है, सो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड ऑन दी अदर एंड, कि अगर मेरे को कोई बोले कि भाई एक पॉलिटिक्स की डिबेट में जाके बैठ जा या फिर मेरे डांस क्लास में पहला दिन हो, तो यार इन दोनों सिचुएशन में मैंने कभी भी कुछ भी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रखा है, तो यार ऑब्वियसली आई वोंट बी कॉन्फिडेंट इन दैट। और अगर बात अपनी और सिचुएशन या एक्टिविटीज़ की हो, तो यार दो ही सिचुएशन इसमें हो सकती है, या तो वो सिचुएशन या एक्टिविटी आपने एक्सपीरियंस करी है या तो आपने नहीं करी है। और अगर आपने एक्सपीरियंस करी है तो इसमें भी दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा था या तो आपका एक्सपीरियंस बुरा था। और अगर आपका एक्सपीरियंस बुरा था तो यार आप उस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं होगे, और अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा था तो आप होगे कॉन्फिडेंट उस बारे में। तो यार ये तो बात हो गई रियल कॉन्फिडेंस की, कि जो अपन ने एक्सपीरियंस कर लिया है अपन उसको दोबारा फेस करेंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे। पर यार उन सिचुएशन का क्या करें जिसको आज तक अपन ने फेस नहीं करा है पर उसमें भी कॉन्फिडेंट दिखना है, तो उस टाइम पे उस सिचुएशंस पे अपन को चाहिए होता है फेक कॉन्फिडेंस। और हाँ गाइज, ये फेक कॉन्फिडेंस बुरा नहीं होता है, यू नीड टू हैव टू फेक इट टिल यू मेक इट। कोई भी ऐसी सिचुएशन है या फिर एक्टिविटी जिसको आपने आज तक फेस नहीं करा है, उसमें कॉन्फिडेंट होने के लिए एक मिनट का पॉज लो और खुद से बोलो कि यार हाँ मैं जानता हूँ इसमें मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है और मैं इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, पर यार ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही हैं जिसको लेकर मैं कॉन्फिडेंट नहीं था पर मैंने उसको एक्सपीरियंस करा, आज मैं कॉन्फिडेंट हूँ इस बारे में, इसको लेके भी मैं एक दिन कॉन्फिडेंट होऊंगा। पर ये जो स्टेटमेंट खुद से बोलने की बात कर रहा हूँ ना, इसमें एक वर्ड आएगा बट, इसके जो आजू और बाजू वाले जो स्टेटमेंट रहेंगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर आपने बट के पहले एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लगाया और बट के बाद एक नेगेटिव स्टेटमेंट लगाया तो आप कॉन्फिडेंट नहीं फील करोगे, पर इसका अगर उल्टा करा आपने तो यार आई एम डैम श्योर आप कॉन्फिडेंट होगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने खुद से बोला कि हाँ मैं जानता हूँ यार मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है पर यार यहाँ पे जाके मेरी इंसल्ट हो गई, तो इस स्टेटमेंट के बदले अगर आपने ये बोला कि हाँ यार जानता हूँ मेरी यहाँ पे इंसल्ट हो सकती है, बहुत कुछ बुरा हो सकता है मेरे साथ, पर आई नो इस चीज़ को भी मैं एक्सपीरियंस करके एक दिन इस चीज़ में कॉन्फिडेंट होऊंगा। सो अपन ने ये जो दो मेन कॉन्फिडेंस होते हैं, एक रियल और एक फेक, इनके बारे में समझ लिया। पर यार तीसरे तरह का जो होता है ना, सबसे प्यारा तरह का कॉन्फिडेंस, उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं अरे क्या है ये, अरे ऐसा बात है ला, कहाँ से कूदना है बोल, अरे स्विमिंग वूमिंग, अरे ये पहले दिन में सीख लूंगा बाबा, फिर नाम नहीं सुना है क्या अपना है। ऐसे लोग जो होते हैं ना वो भगवान को जाके बोलते हैं कि भगवान ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। एकदम भगवान होते हैं, एकदम मतलब उनमें सब आता है यार, एकदम परफेक्ट जो लोग होते हैं ना उन्हें अपन बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट लोग। और यार उस सिचुएशन का क्या है यार, जिसको अपन एक्सपीरियंस तो करा था यार, पर एकदम लग गए थे, रिजेक्शन मिल गया था, वी वर फेल्ड इन इट। यार ये जो सिचुएशन है ना, इस चीज में जरूरत होती है करेज की, सो यार हैव करेज एंड ट्राई टू एक्सपीरियंस दैट सिचुएशन और एक्टिविटी अगेन। और यार यहाँ पे ना सेल्फ एस्टीम की बात आती है, जितने भी आप नई नई चीजें एक्सपीरियंस करोगे और उन सिचुएशन या एक्टिविटी में अपना एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस डेवलप करोगे उतनी ज़्यादा अपनी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ते जाती है। अपन खुद को कैसे देखते हैं वो होता है सेल्फ एस्टीम, और ये बढ़ते जाता है।
और सबसे ज्यादा तब बढ़ता है यार कि जिसमें अपना एक्सपीरियंस घटिया था उसको अपन ओवरकम कर लेते हैं, सबसे ज्यादा पॉइंट्स उसमें मिलते हैं सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए। और यार पता, बहुत सारे लोग सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक मानते हैं, पर इसमें डिफरेंस ये होता है कि सेल्फ एस्टीम ये होता है कि अपन खुद को कैसे देखते हैं, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि अपन एक्टिविटी या सिचुएशन को कैसे देखते हैं। तो टू सम अप दिस वीडियो गाइस, अपन ने इस वीडियो में तीन तरह के कॉन्फिडेंस के बारे में सीखा। पहला होता है रियल कॉन्फिडेंस, जो कि आता है रियल एक्सपीरियंसेस से। अगर तुम ताज होटल 10 बार गए हो तो 11वीं बार तुम कॉन्फिडेंट हो गए। दूसरा तरह का कॉन्फिडेंस होता है फेक कॉन्फिडेंस, और ये काम आता है ऐसी सिचुएशन में जिसको अपन ने एक्सपीरियंस आज तक नहीं करा हो। और जितनी भी वीडियोस कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही है वो फेक कॉन्फिडेंस के बारे में ही सिखा रही है। और तीसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस, जो कि अनरियलिस्टिक होता है। और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यार उस सिचुएशन का क्या करना है जिसमें अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। We have to jump into it again. और अगर initiatives की बात आए, actions की बात आए जो अपन ले सकते हैं, पहली चीज ये है कि अपन को identify करना है कि अपन नया क्या experience कर सकते हैं जिससे अपना confidence बढ़े। अपना ये goal बना लो कि जिंदगी में अब हर एक चीज experience करनी है। कुछ भी अगर कोई चीज सिखा रहा हो तो रुकना मत, समझना। कोई अगर चीज कुछ कर रहा है तो उसे देखो और उससे भी सीखो। और अगर कोई नई activity try करने को मिल रहा है तो यार मौका बिल्कुल भी मत छोड़ना। और ये identify करो यार कि मेरे को किस किस सिचुएशन में डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो पब्लिक स्पीकिंग है, तो यार एक पब्लिक स्पीकिंग से रिलेटेड एक बुक खरीदो, मिरर के सामने में प्रैक्टिस करो, जो जो भी कर सकते हो उससे करो। तो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। मैं अपने कॉन्फिडेंस के लिए तो यार सच बता रहा हूँ बहुत नई नई चीजें एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी हूँ। तुम भी हो जाओ।